अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का निदेशालय में धरना दिया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जनवरी में परीक्षा नहीं हुई थी, अब तक फैसला नहीं है। यानी जनवरी में परीक्षा हुई थी, ये 6 जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है। हाई कोर्ट की डबल बेंच मामला सुन रही है, लेकिन ऐसी 5 डेट बीत गई जब एडवोकेट जनरल मौके पर पहुंचे ही नहीं। ये बड़ी लापरवाही है, जबकि सरकार की तरफ से आदेश है कि एडवोकेट जनरल इस केस को लड़ेंगे, लेकिन एडवोकेट जनरल 5 तारीख से कोर्ट आ ही नहीं रहे हैं, कोई न कोई बहाना बना देते हैं। 69,000 वैकेंसी को लेकर के लगातार सहायक अध्यापक को जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के जो है बेसिक कार्यालय के पास जो डाइट कार्यालय है वहां पर भारी संख्या में लोग आकर के बैठे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार उनका जारी है। हालांकि कल हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई भी है, लेकिन उसके पहले वैकेंसी को समय से पूरा करने के लेकर के लगातार वो मांगे कर रहे हैं और इस मांग को लेकर के आज पूरी तरह से प्रोटेस्ट में बैठे हैं, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कार्य बाधा नहीं होगी। हम देखते हैं, प्रयास करते हैं बात करने का कि क्या 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 मांगे हैं उन लोगों की और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो प्रोटेस्ट है वो किन मांगों को लेकर के है सरकार से? सरकार ने 60-65 कट ऑफ एक उत्तीर्णांक निर्धारित किया था जो कि योगी सरकार का मानक था एक योग्यतम अभ्यर्थी का। अगर हमारे पिछले 8 महीने से लगातार कोर्ट में लंबित है, एजी साहब को अवध किया गया है, एजी साहब कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि हमारे साथ के तीन लड़कों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब हमारी क्या गलती है? जब हम सरकार के योग्यतम अभ्यर्थियों के सारे मानकों को निर्धारित कर पूरा आ चुके हैं, एक विशेष वर्ग के लोग जो इस शिक्षा भर्ती में फेल हो रहे थे, असफल हो रहे थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत। इसको चैलेंज कर कोर्ट में लगभग 8 महीने से घसीटा जा रहा है। एजी साहब कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, एजी साहब आबद है, और हमारे सरकार से सिर्फ यही निवेदन है, अगर आप योग्यतम अभ्यर्थी का साथ देते हो, योग्यतम अभ्यर्थी के लिए आपने जो निर्धारित किया है तो योग्यतम अभ्यर्थी का साथ भी दिया जाए। कोर्ट में जो है हमारे टीम के सुरेश प्रताप जी पिछले 8 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट लगातार अनिश्चितकालीन तक इनका जारी रहेगा और जिस तरीके से योग्य अभ्यर्थी है, हालांकि कोर्ट में यह मामला लंबित है और कल इसकी तारीख भी लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिवक्ता और सरकार की हिला हवाली की वजह से इन योग्य अभ्यर्थियों का कैरियर अधर में लटका हुआ है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। संजय ने बिल्कुल